फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आओ। अच्छा, जो वीडियो है हम इसमें बात करने वाले हैं, जो ऑयल के बात है ना, जो आपके इंजन ऑयल के बात है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका हम कंप्लीट आपको मोल डिजाइन दिखाएंगे और इसकी जो प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस होने वाला है, क्या होगा, सारा चीज़ें जो आज के वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला बात यह है, मेरा जो गला है पूरा बैठ चुका है, टॉन्सिल हो रहा है, तो आवाज़ भी आपको पता लग रहा है कि आवाज़ बहुत चेंज हो रहा है। मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोग से, क्योंकि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरा गला जो है पूरा बैठ चुका है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आज का जो है वीडियो, इस वीडियो में आपको समझा पाऊँ। तो ऑयल कैप आता है, जो आपकी इंजन ऑयल की कैप बनती है, मेरे पास हर तरीके से कैप्स एंड इनक्लोजर की मोल्ड हर तरीके से भरा हुआ है। चाहे सिंगल सीसी सी मोल्ड चाहिए, या डबल सी चाहिए, या फ्लिप टॉप चाहिए, कोई भी हो, या गैर मोल्ड हो, या आपको स्टीवी सेक्शन कैसा भी हो, सारा तरह से मेरा मोल्ड भरा हुआ है और रेडी टू मैन्युफैक्चर है। ये जो मोल्ड है ऑलरेडी 10 से 12 जगह ये मोल्ड चल रहा है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें आपको समझने में आने वाला है। तो एक एक चीज़ें जरूर देखना, और कहीं पे कुछ चीज़ें आपको समझना है तो आप बात कर सकते हो मेरे से। तो आप देख पाओगे ये जो है मेरा कॉम्पोनेंट है, तो कॉम्पोनेंट में देख पाओगे इस तरीके से आपकी मैक जो आती है ना इंजिन ऑयल, तो ये 38 mm का कैप है। इसके अगर मैं आपको सेक्शनिंग काट के दिखाऊँ ना, तो आप सेक्शनिंग एक बार देख लो, इस तरीके से सेक्शनिंग होती है, देख पाओगे इस तरीके से कैप्स होती है। ये कैप होगा आपका, ये रिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है, इसके आवाज ही मोल्ड डिजाइन बनाने वाला है। तो यहाँ पे मैं मोल्ड डिजाइन बना रखा हूँ ऑलरेडी, पूरा इंसर्ट इंसर्ट का भी बना रखा हूँ, और आपको मैं 3D में और प्लस 2D में तो सारा चीजें मैं आपको इसमें बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पाओगे किसको क्या बोलते हैं, मैं इसको आराम से आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बनाने में आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो ये कैप्स है, ये मेरा केवीडी इंसर्ट है, ये मेरा स्टिपर है, ठीक है, ये मेरा नोट इंसर्ट है। तो यहाँ पे जो इजेक्शन होगा आप देख पाओगे, स्टिपर इजेक्शन होगा प्लस इसमें एयर इजेक्शन होगा। अब देखो सारा चीजें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ ऑटो गाइड में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको मैं कैप्स और इसकी जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मोल्ड बेस की डिटेलिंग करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें हमको जो मैंने आपको दिखाया ये वाला मेरा ड्रॉइंग है, ठीक है, इसको मैं 2D में बना रखा हूँ। तो फिनिश ड्रॉइंग है मैक कैप के लिए, 24 KVT का है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है ये मेरा कौन सी हो गए, ये मेरा क्या हो गया, केवीडी साब इंसर्ट हो गए। बेसिकली ये केवीडी साब इंसर्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये ऑटोनर मोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवीडी साब इंसर्ट लगा रहे हैं। तो ये मेरा जो हो गई केवीडी इंसर्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे केवीडी इंसर्ट की कूलिंग के लिए हम जो है कूलिंग का ग्रुप कट रखा है, यहाँ पे कूलिंग होगा। तो ये मेरा हो गया स्टिपर प्लेट, ठीक है, ये मेरा स्टिपर प्लेट का जो इंसर्ट लगा रखा है स्टिपर इंसर्ट है, ठीक है। उसके बाद मेरा ये जो आप देख पाओगे ये मेरा थ्रेड पर इंसर्ट है, यहाँ पे जो मेरा ये पांच है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे थ्रेड है। इसमें आपको मैं अगर दिखा दूँ ना, तो ये मेरा जो है ये मेरा थ्रेड पर इंसर्ट है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेड पार्ट इंसर्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आती है ये मेरा नोट इंसर्ट है। नोट इंसर्ट में किसकी बात कर रहा हूँ, जो मेरा ये वाला कंपोनेंट है ना, मैं पूरा लेके आता हूँ। ये जो मेरा नोट्स है ये मेरा नोट इंसर्ट है, ठीक है। नोट इंसर्ट यहाँ पे कूलिंग के लिए मैं यहाँ पे ग्रुप कट रखा हूँ, यहाँ पे कूलिंग होंगे। उसके बाद आपका हो गया थ्रेड की जो इनर पंच है, क्योंकि यहाँ पे इनर पंच इसलिए लगाना पड़ता है, यहाँ पे एयर इजेक्शन होगा, एयर इजेक्शन होगा क्योंकि एयर इजेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं स्टिपर इजेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन स्टीपर इजेक्शन के साथ भी आपको एयर इजेक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो चीज़ें, जब मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या आएंगे, थ्रेड इनर इंसर्ट, थ्रेड इनर इंसर्ट जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा। और थ्रेड जब इनर इंसर्ट दो लगेगा, एक ये लगेगा, एक अपन नीचे वाला लगेगा। इसको हम क्यों लगाएंगे, कूलिंग के लिए लगाएंगे, ठीक है। जो हम एयर चलाएंगे इसके लिए हम लगाएंगे, कूलिंग के लिए नहीं, एयर के लिए लगाएंगे। उसके नीचे आएंगे आपके जो इनर इंसर्ट नोट, यहाँ पे भी दो आएंगे क्योंकि इसको चलाना है, स्टिप चलेगा आपका। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल की आपको ड्राइंग वाला दिखा देता हूँ, ये मेरा आर्टिकल का ड्राइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम हटा दिया है क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल जाता है, इसके लिए भी बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं हटा रखा हूँ, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा चीज़ें हटाना पड़ सकता है, ठीक है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे सारा हटा चुका, मेरा आवाज़ जो है बहुत ही बेहतर है और मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ना, ये जो है मेरा स्टैंडर्ड आता है, ठीक है। ये जो आपका आ रहा है 36 कैप का जो आता है, 36 का यहाँ पे बन के आता है, एक्चुअल में क्या होता है 38 साइज का आता है। तो 38 का साइज का जो मैं यूज़ कर रखा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे आप ये जो कैप की जो नेक है, यहाँ नेक जो है जिस बोतल में लगने वाला नेक का डिटेल है, तो वो भी हम मंगवाते हैं। ऐसा नहीं, आपको जो ड्रॉइंग दूंगा ना वो मेरा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, ऑल इंडिया में ये स्टैंडर्ड आपका यूज हो रहा है। तो इसके साथ यहाँ पे मेरा देख पाओगे कैप कैसे बैठ रहा है, कितना गैप आ रही है, तो सारा चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको 38 mm का मैंने आपको डिटेलिंग दिखा दिया है, अब आपको मैं इसमें ड्राइंग में डिटेलिंग समझाऊंगा, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं आपको ड्राइंग में ले आऊंगा। देखो ये मेरा ड्राइंग है, सारा इंसर्ट वगैरह यहाँ पे पिलर सेट वगैरह सब कुछ दे रखा हो, लेकिन आपको यहाँ पे अभी समझ में नहीं आए, इसको आपको समझने के लिए मैं इसको अलग तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये मेरा इंसर्ट है,
यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट किसमें लग रखा है, यहाँ पे जो आपका इंसर्ट है, इस इंसर्ट में जो मेरा क्या बोलते हैं नोट इंसर्ट है, नोट इंसर्ट में यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, तो दोस्तों बीच बीच में मुझे बहुत खांसी आ रहा है, तो मैं इस वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है। तो इसको इजेक्शन के लिए यहाँ पे 4 mm का मैंने यहाँ पे इजेक्शन दे रखा है। तो बेसिकली जो 4 mm इजेक्शन है, इसको मैं ऐसे तो नहीं दे सकता हूँ कि आपके जो मशीन है 4 mm इजेक्शन मारेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 10 mm इजेक्शन है, तो मशीन को कैसे बताया कि 4 mm इजेक्शन करना है। इसके लिए आपको जो है लिमिट लगाना पड़ता है। कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट डाल रखा हूँ, ठीक है, ये आपका इंसर्ट जो है रेक्टेंगुलर इंसर्ट में डाल रखा हूँ, इसका देखो 4 mm गैप फॉर वर्किंग। तो यहाँ पे 4 mm का मैं यहाँ पे रिलीफ दे रखा हूँ। तो जैसे मेरा 4 mm यहाँ पे रिलीफ मारेगा ना, 4 mm रिलीफ मारेगा ना, तो यहाँ पे सीधा पहला जो इजेक्शन होगा मतलब कैप को नोच इंसर्ट से बाहर कर देगा। ये जो स्टिपर है ना, इस स्टिपर क्या होगा, और जो आपकी इंसर्ट है सारा इंसर्ट, तो ये क्या होगा 4 mm ऊपर चला जाएगा। तो ये कौन काम करेगा, ये जो काम करेगा, ये आपका जो इंसर्ट है, ये इंसर्ट आपका काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप 10 mm का मैंने यहाँ पे चला रखा हूँ। अब 10 mm का जो मेरा ये थ्रेड है, इसको थ्रेड को मैं यहाँ पे जम करके निकालूंगा। कौन निकालेगा, ये स्टिपर प्लेट निकालेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 4 mm इजेक्शन नहीं करता ना, तो ये नहीं निकलता, क्योंकि दोनों के बीच में गैप नहीं था, देखोगे ना, तो ये नहीं निकल पाता। तो इसको निकालने के लिए पहले 4 mm में तो इसकी जो आपका ये कैप का जो रिंग आता है, रिंग को निकाला मैंने 4 mm इंजेक्शन में। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे गैप मिल गया। गैप मिलने के बाद 10 mm का मैं यहाँ पे स्टिपर चलाया। स्टिपर मतलब यहाँ पे देखो, स्टिपर जैसे चलाया, स्टिपर के साथ इंसर्ट भी चलाया। जो स्टिपर चलाया है ना, देखो ना, यहाँ पे स्टिपर के साथ आपका ये इंसर्ट भी चलाया। ठीक है, तो स्टिपर के साथ इंसर्ट भी चलाया 10 mm का। अब 10 mm का इंसर्ट मैंने कैसे चलाया, अब ये कहानी समझने वाली बात है। अब यहाँ पे ध्यान से आओगे ना, यहाँ पे मैं अगर ध्यान से थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, यहाँ पे मैं ध्यान से दिखाता हूँ ना, तो आप देखोगे ना, ये देखो 14 mm का मैं लिमिट लगा रखा हूँ यहाँ पे। ये जो 14 mm का लिमिट है, 4 mm पहले इजेक्ट करा है, फिर 10 mm, तो 4 mm तो उधर चला गया, ब्लू वाली जो ब्लॉक दिखाया मैंने आपको, फिर 10 mm, तो यहाँ पे 14 mm देना पड़ेगा। ये 10 mm में ये आपका जो आपके थ्रेड है, थ्रेड को जाम करके निकाल देगा। अब उसकी बात आता है आपका इजेक्शन का। अब इजेक्शन में आपका चलेगा स्टिपर, स्टिपर के साथ आपका यहाँ पे एयर भी चलेगा। अगर एयर नहीं चलेगा तो ये कंपोनेंट में चिपक कर रह जाएगा, तो एयर भी चलाना पड़ेगा, स्टिपर भी चलाना पड़ेगा। अब एयर के लिए देखो, मैंने यहाँ के, यहाँ के देखो, एयर एयर के लिए मैं यहाँ पे दे रखा हूँ कहाँ से एयर घुसने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर इजेक्शन होगा। एयर इजेक्शन होने के बाद कंपोनेंट को यहाँ से निकल लेगा मेरे दोस्त। तो इस तरीके से जो है कंप्लीट प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर भी जरूरी है, स्टिपर भी जरूरी है। तो यहाँ पे देखो हर एक डिटेल में दे रखा हूँ। अगर मैं बात करूंगा स्प्रिंग की, तो मैं देखो ना कौन से स्प्रिंग, सारा स्प्रिंग की डिटेल दे रखा हो यहाँ पे। अगर मैं आपको फोम का बात करूँ, देखो कितना साइज का है, क्या है, कौन सी मटेरियल का है, स्टारबक्स का यूज़ कर रखा हो यहाँ पे, जो है इनर थ्रेड हम S13 का यूज़ कर रखा हो, एक एक डिटेलिंग में यहाँ पे बात कर रखा हूँ। सारा चीज़ें डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ आपको ढूंढने का जरूरत नहीं। देखो हर एक चीज़ का आपको मिल जाएगा। ठीक है, 24 KVT का है, अगर आपको 16 KVT का बस चाहिए, चाहिए वो भी मिल जाएगा, 32 तो चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। सारा मेरे पास रेडीमेड बना हुआ है। अगर मैं मोल बेस की डिटेलिंग की बात करूँ, क्योंकि हम एक एक प्लेट की डिटेलिंग देते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे जैसे प्लेट है सब की मैं डिटेलिंग कर रखा हूँ। ठीक है, अभी देख पाओगे आप सब एक एक प्लेट की डिटेलिंग कर रखा हूँ। तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधा इंसर्ट की आपको मशीनिंग करना होती है, कि लेट वाली काम होती है, तो आपको 2D से भी हो जाता है जो लेट की काम होती है। बाकी जो आपके इंसर्ट इंसर्ट का है, वो आपको भी डिटेलिंग चाहिए, यहाँ पे सारा डिटेलिंग है। अब जैसे मुझे बोलोगे इतना साइज का चाहिए, वो आपको स्टैंडर्ड दूंगा, जो बाहर मार्केट में 10 से 12 जगह मेरा मोल चल रहा है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इसकी मोल की कहानी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको पूरा कहानी समझ पाऊँ, यहाँ पे समझा दूँ कि कैसे चलता है, क्या नहीं चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मोल डिजाइन वगैरह बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से मोल चलते रहता है, अभी मार्केट में मेरा बहुत जगह भी चल रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मैंने कोशिश किया, मैंने गला बैठ भी, फिर भी मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया। नहीं भी हो, नया बैच वगैरह चल रहा है, अगर इसी तरीके से ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, आपको नंबर मेंशन दे, वहाँ पर जाकर आप कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो। इसी तरीके से एडवांस क्लासेस वगैरह में देते रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।